स्क्रीन दिख रही है सभी को? स्क्रीन और ठीक, चलिए चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल कल हमने डिस्कस किया था, कल के बारे में अगर हम बात करें तो कल हमने डिस्कस किया कि क्या होता है एनुटी के बारे में। एनुटी इन द सेंस ये जो पार्ट है वो फिनेंस का है, और इसमें दो मुख्य बातें आती है, इक्वल अमाउंट होना चाहिए और इक्वल टाइम पीरियड के बाद वो पेमेंट हो या रिसीव हो, इन दोनों से कोई भी एक हो इक्वल, मतलब ये दो कंडीशंस अगर फुलफिल हैं तभी आप ये कह सकते हैं कि ये एनुटी का पार्ट है। जैसे हम आरडी अकाउंट खोलते हैं या कार लोन लेते हैं, एक सेकंड जरा रुके। तो हम क्या करते हैं कि या तो आरडी का हमने एक एग्जांपल दिया आपको, एक कार लोन का एग्जांपल दिया, और ईएमआई इक्वली मंथ। कार लोन में जैसे आप 3 लाख की कार एक लेते हैं तो 1 लाख डाउन पेमेंट आप दे देते हैं, उसके बाद 2 लाख रुपए के लिए आप ईएमआई कर देते हैं। तो ये फिक्स होता है कि 1 महीने बाद आपको निश्चित अमाउंट लगातार देना होगा। तो फिर इसमें और भी दूसरे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो और भी इसमें एग्जांपल्स हैं। जैसे हमने एक आरडी का एग्जांपल दिया, एक कार लोन का एग्जांपल दिया था, और एक रेंट वाला भी हमने एग्जांपल दिया था। कहीं कहीं पर हम पहले पेमेंट करते हैं और कहीं कहीं पर होता है कि फिक्स ड्यूरेशन के बाद हम पेमेंट करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने आपको, एक सेकंड रुके ज़रा। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने कल आपको बताया, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है वो फिक्स होता है, और जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है वो वैरी करता रहता है। इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है वो कम बनता है और कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया जाता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के ऊपर एक इंटरेस्ट चलता है इस जगह पर। तो ये किस में चला जाता है, वो किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसीलिए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। फिर हमने आपको एक टर्म बताया था, कंटिन्यूअस कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। यहाँ देखिए कहीं लिखा होगा, ये देखिए इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब एक ही टर्मोलॉजी है, और उसका जो फार्मूला होता है वो हमने यहाँ से आपको बताया कि जैसे सपोज करिए कि 5 साल के लिए आपको प्रिंसिपल दिया है 1000, 5 साल के लिए आपने जमा कर दिया, 10 ईयर्स के लिए जमा कर दिया 5% पर एनम, तो आपका क्या अमाउंट बनेगा वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं है, हम जो इंटरेस्ट होगा वो हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाएगा, इंटरेस्ट विल बी इम्पोज्ड ऑन हाफ ईयरली, देन वी डिवाइड आर बाय 2 एंड मल्टीप्लाई टाइम बाय 2, हमेशा टाइम डबल हो जाएगा और रेट आपका आधा हो जाएगा। अगर हम क्वार्टरली कहें
तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर, अगर हम मंथली कहें तो 12 से डिवाइड कर देंगे और 12 से मल्टीप्लाई। इसी तरह से अगर हम बात करें कि हम हफ्ते में लेंगे, हम पर डे चार्ज करेंगे, हम पर आर चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, और अंत में हम बोलने लगे कि नहीं हम चार्ज करेंगे पर सेकंड, तो उस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे? उस सिचुएशन में जो इंटरेस्ट होता है उसे बोलते हैं कंटिन्यूस कंपाउंडेड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। ये टर्मिनोलॉजी एक ही है, इसमें वर्ड दो इम्पॉर्टेंट हैं, एक तो कंपाउंडेड होना चाहिए, दूसरा कंटिन्यूस होना चाहिए। हमने कल आपको ये भी बताया कि इसका फार्मूला चेंज हो जाता है और वो बन जाता है उस केस में, अगर हम फार्मूले की बात करें तो वो बन जाएगा एस इज इक्वल टू पी ई टू द पावर आर टी। ई कहलाता है एक्सपोनेंशियल, ई कहलाता है, देखिए कंटिन्यूस का मतलब एवरी मोमेंट आप चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट को। तो यहाँ पर देखिए जो जो हमने आपको कल बताया एनुटी, एनुटी को बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया था, ऑर्डिनरी और एक होता है इमीडिएटली। ऑर्डिनरी का मतलब हो गया एट द एंड ऑफ द पीरियड, यू विल पे और रिसीव अमाउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, और इमीडिएट का मतलब होता तुरंत, जैसे आरडी अकाउंट खोलेंगे तो तुरंत ही जाके आपको पैसा देना पड़ेगा वहां पर। तो इस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले जानेंगे ऑर्डिनरी आपका एनुटी के बारे में, इस पर बेस क्वेश्चन। तो कल हमने आपको बताया था अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एनुटी, अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एनुटी की क्या है उसके बारे में, उसका एक फार्मूला हमने आपको लिखा है कि एस इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू जो फ्यूचर में प्राप्त होती है आपको, और प्रेजेंट वैल्यू जैसे लोन लेने गए आप तो तुरंत ही लोन मिल जाता है, तो दैट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू। और अगर आप आरडी में लगातार पैसा जमा करते जा रहे हैं तो कुछ समय बाद वो पैसा एक्युमुलेट हो जाता है तो वो कहलाता है फ्यूचर वैल्यू। तो ऑर्डिनरी एनुटी में जो फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू का कितना फ्यूचर वैल्यू एक्युमुलेट होगी अगर हम निश्चित रेट पर निश्चित अमाउंट को निश्चित टाइम इंटरवल पर निश्चित टाइम पीरियड के लिए जमा करते रहें। तो देखिए दो बातें मैं बार बार आपको फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला तो यहाँ इक्वल अमाउंट होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए इक्वल इंटरवल। और ये दो अगर हैं कंडीशंस में तो फिर वो जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को, उस मेथड को हम एनुटी के कैटेगरी में रख दें। तो ये हो गया फ्यूचर वैल्यू एस, एस का मतलब होता है सम आर वन प्लस आई टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आई। तो ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, इस फार्मूले से हम रख, और इसी में अगर फ्यूचर वैल्यू के लिए ये फार्मूला है तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या फार्मूला है, तो वो होता है आर आर, जो हम पहले ही बता चुके हैं कि आर का मतलब होता है साइज ऑफ ईच पेमेंट, आप कितना रुपया जमा कर रहे हैं, जैसे आरडी में हर महीने आप 1,500 रुपया जमा कर रहे हैं या ईएमआई में आप 1,00,000 रुपया या 50,000 रुपया पर मंथ दे रहे हैं, तो वो कहलाता है आर। और वन माइनस आई तो आप जानते हैं रेट होता है, और माइनस वन टू एन होता है कितनी बार पे करेंगे, जैसे 2 साल के लिए किया तो आप 24 बार पे करेंगे, 1 साल के लिए किया तो आप 12 बार पे करेंगे, तो कितनी हाउ मेनी टाइम्स यू आर गोइंग टू पे। तो फार्मूले में आप देख रहे हैं बेसिकली जो डिफरेंस है वो वन प्लस आई दोनों में सेम है, वन प्लस आई दोनों में सेम है, बस यहाँ पर एन होता है और यहाँ माइनस एन हो जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब इस पर एक दो न्यूमेरिकल करेंगे जिससे कि हमें कुछ और आइडिया मिल सके। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है यहाँ कि फाइंड, सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिख देते हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुटी ऑफ रुपीस 2000
payable at the end of each year. अब देखिए इन्होंने बता दिया एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, इससे पता चल गया ये ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन है. फॉर फाइव इयर्स इफ मंथ 8% इफेक्टिव. तो देखिए इसका आंसर क्या. तो सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पर हम इसको एनालाइज करें तो अमाउंट ऑफ एन्युटी पूछ रहे हैं, ठीक है, 2000 रुपये पेबल कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईयर फॉर फाइव इयर्स के लिए. तो ये क्या पूछ रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू पूछ रहे हैं. इसे क्लियर हो गया फ्यूचर वैल्यू कितना अमाउंट हो गया, फ्यूचर वैल्यू पूछ रहे हैं मतलब एस पूछ रहे हैं. एस बताइए दिया क्या क्या है आपको यहाँ दिया. फार्मूले में आप जानते हैं एक टर्म आता है आई, आई का मतलब हमने आपको बताया था रेट पर पीरियड, रेट पर पीरियड. तो 8% पर एनम है ना, ये जो लिखा होता है 8% इफेक्टिव, ये हमेशा ईयरली ही होता है. अगर यहाँ पर देखिए अगर वो ईयरली दे रहे हैं तब तो ये यही कहीं सेम ही, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर वो मंथली हो जाता तब हम इसको 12 से डिवाइड कर देते क्योंकि आपका आई भी उसी अनुसार एडजस्ट किया जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर आई आपका कितना रहेगा 8%, 8% मतलब 0.08 ये आपका आई है. ये आई की वैल्यू हो गई. फार्मूला हम यहाँ साइड में लिख दें जिससे कि आप और अच्छी तरह समझें. तो एस इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आई, ये आपका फार्मूला. हम इस फार्मूले को यूज़ करें तो आई की वैल्यू तो इतनी दे दी, एस पूछ रहे हैं. और देखिए क्या दिया है, ये है आपका आर, आर का मतलब वो अमाउंट जो हर पीरियड में आप पे करते हैं, मतलब अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू, सॉरी अमाउंट द साइज ऑफ ईच पेमेंट कह सकते हैं इसको, साइज ऑफ ईच पेमेंट भी कह सकते हैं, वो जो पर पीरियड दिया जाता है. और टाइम कितना है एन, यहाँ पर टी नहीं लिखेंगे यहाँ पर चलेगा एन. तो एन आपका हो गया यहाँ पर 5. अरे इस तरह से ये चीज़ ये रुपए में जाएगा और ये आपका ये तीन चीज़ें देखिए, आई आर, आई आर एन पता होना चाहिए, आई आर एन हमें यहाँ पता है. फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी का क्वेश्चन है, ये कैसे पता चल गया, क्वेश्चन को हमने जब रीड आउट किया. इफेक्टिव रेट का मतलब होता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो एस इज इक्वल टू आर, आर की जगह लिख देंगे 2000 और 1 प्लस आई मतलब 1.08 की पावर एन मतलब 5 माइनस 1 अपॉन 0.08 और फिर ये बन जाएगा 2000 और ये 1.08 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 0.08. जानते हैं 1.08 की पावर 5 निकाल लेंगे वैल्यू और कैलकुलेटर सॉल्व कर लेंगे, माइनस 1 उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 0.08 से इसको हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, जो निकलेगा उसमें हम 2000 का मल्टीप्लाई. ये बच्चों कैलकुलेशन हो जाएगा ना कैलकुलेटर से, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं. आपको क्या करना है सिंपल सा, 1.08 को 5 to the power 5 कर देंगे, माइनस 1 उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और लास्ट में डिवाइड कर देंगे, जो आएगा फिर उसमें 2000 मल्टीप्लाई. तो डायरेक्ट यहाँ से जो वैल्यू आई वो आई 11733.202 ये रुपए निकलेंगे. तो आप अगर 2000 रुपये देते रहेंगे 5 साल में 8% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर तो 11,733.20 आपको प्राप्त होंगे फ्यूचर वैल्यू के. तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पर आपको बताया. तो क्वेश्चन में है कुछ नहीं, क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है, सिर्फ क्या गिवन है, व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट. बस आप ये बस देखिए, देर आर 4 अननोन क्वान्टिटीज, 4 वेरिएबल्स हैं, एस है, आर है, एन है और आई है. और क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ें दी होंगी, चौथी पूछेंगे. बस यहाँ पर हमने आई को आई क्यों रखा, इसमें हमने कोई डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमेशा पर ईयर ही होता है और आप जो पेमेंट कर रहे हो वो भी ईयर में कर रहे हो, एक साल बाद एट द एंड ऑफ द ईयर कर रहे हो, इसलिए आपको यहाँ पर डिवाइड नहीं करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिया क्वेश्चन नंबर 2, हरीश जो हैं, हरीश हैं उन्होंने डिपॉजिट किया
डिपॉजिट किया रुपए 1500 दी मंथ ऑफ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ इन बैंक, ठीक है, एंड दैट पेस, मतलब दैट का मतलब वो बैंक क्या पेस करता है, दैट पेस इंटरेस्ट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15 एनम, देखिए पर एनम आ गया, एनुअली कंपाउंडेड मंथली। लेकिन जो कंपाउंडेड चार्ज किया जाता है वो मंथली चार्ज किया जाता है। अगर ये नहीं भी लिखते तो भी हम कंपाउंडेड के ही अंतर्गत मानते उसको, क्योंकि यहाँ पर वो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ जमा कर रहा है, तो यकीनन है कि जो आपका चार्ज होगा वो हमें मंथली वाइज ही इंटरेस्ट बैंक देगा, क्योंकि स्कीम ही ऐसी है। फाइंड द अमाउंट, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड द अमाउंट इन हिज अकाउंट एट द एंड ऑफ टू, ये क्वेश्चन है हमारा, द एंड ऑफ टू इयर्स। तो इसमें इन्होंने पूछा एट द एंड ऑफ टू इयर्स, ठीक है, तो क्या क्या दिया है वो अब देख लेते हैं। टू इयर्स चलिए आंसर में देखते हैं क्या क्या गिवन। आपसे हरीश डिपॉजिट इतना, ये रुपए आप समझ गए होंगे, ये आर गिवन, क्योंकि अमाउंट ईच पीरियड कितना पेमेंट कर रहे हैं 1005 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ से आप समझ गए कि ये जो मामला है, ये जो मसला है वो है ऑर्डिनरी एन्यूटी का, क्योंकि एट द एंड ऑफ द पीरियड चल रहा है। इन्हें बैंक इंटरेस्ट 15% पर एनम, देखिए गौर से आर यहाँ पर 15, लेकिन ये पर एनम है और आप चार्ज कैसे कर रहे हैं, आप चार्ज कर रहे हैं मंथली, तो इसको हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.0125। देखिए हम ये डिवीज़न नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, उसका रीज़न है कि ये आप जानते हैं कैसे ये सब करना है, उसकी मदद से आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमने, क्योंकि हमें आर जो चाहिए होगा वो किस प्रकार का है, आर पर मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो ईयरली है, मंथली है, क्या मंथली है, तो 12 से डिवाइड होगा, और दिया आपको क्या था ईयरली, यहाँ पे इसलिए हमने 12 से डिवाइड कर दिया। और 100 क्यों लिया, क्योंकि परसेंटेज है, आर आर आपको आर और एस, और अब देखते हैं एन की वैल्यू कितनी है, एन एन यहाँ पर दे रखा है टू ईयर, तो ये भी हमारा किस में जाएगा, जब हर चीज़ यहाँ, जब मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो एन भी आपका मंथली में ही जाएगा, तो 2 × 2 हो जाएगा 12, दैट बिकम्स 24 महीने हो जाएंगे आपके। तो आर एन और ये आपका निकल आया इस प्रकार से। अब आप यहाँ पर फार्मूला रख देंगे, तो एल टू क्या होता है, फार्मूले को कई बार आप लिखें जिससे आपको ये याद हो सके, 1 i^n-1 / i, तो आपको r पता है, r है 1500 और 1 + i, इसमें 1 हम ऐड, i इसको i कहिए, r ना कहिए, क्या एनुटी के क्वेश्चन में r नहीं लिखा है सिंबॉलिक रूप में, क्या लिखा हुआ है i, तो i लिख देंगे, तो i इसको ऐड कर देंगे, तो वो आ जाएगा 1.0125 और -1, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 24। अब कहेंगे 24 कैसे कैलकुलेट होगा, सो सिंपल, कैलकुलेटर की मदद से, और यहाँ पर आ जाएगा आई मतलब 0.0125 ये। तो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, पूरी तरह सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व जरूर करिएगा, तो वो आएगा 1416.82.126। कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लेना है, पहले पावर 24 लिखेंगे, -1, और हर बार अप टू 3 प्लेस या 2 प्लेस तक ही आप ले लें, कैलकुलेटर को सेट या 3 प्लेस है तो
तो आपने देखा कि ये दोनों क्वेश्चन हमारे एक जैसे थे जिसमें फ्यूचर वैल्यू पूछी गई। ये समझ में आए कि नहीं ये दोनों क्वेश्चंस? बताएं बच्चों। यस सर आए। यस सर। क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, जितना अभी तक आपने पढ़ा था ना पिछले दूसरे लेक्चर्स में या सेकंड और फर्स्ट, उन सबसे ये बहुत ही आसान है क्योंकि एज इट इज चलता है क्वेश्चन। चलिए अब अपना क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन में। अब इसमें एक चीज़ हमने एक फार्मूला और हम बताना चाहेंगे उसको भी। अगर ये जो हमने जो फार्मूला बताया वन प्लस आई वाला, ये तब लगता है जब ऑर्डिनरी एनुटी का हो। मतलब फिर से ज़रा फार्मूले को डिस्कस कर लें। फार्मूले में पहला तो फ्यूचर वैल्यू से रिलेटेड हो, दूसरा वो ऑर्डिनरी एनुटी का हो, ठीक है, तब हम फार्मूला लगाते हैं एक्यूमुलेटेड अमाउंट का, एस इज इक्वल टू आर और ब्रैकेट में वन प्लस आर एन माइनस आई, हम इसका फार्मूला लगाते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए। लेकिन अगर हम बात करें कंटिन्यूअस कंपाउंड, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें, तो कंटिन्यूअस कंपाउंड के केस में हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है और वो फॉर्मूला हो जाता है एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू एन आर ई टू द पावर आर टी। आर लिखिए या आई टी लिखिए, अब यहाँ पे इन्होंने आर लिख दिया बुक में, कहीं आर लिखते हैं कहीं आई लिखते हैं, तो आप कोई भी एक सिंबॉलिक ले लीजिए, बात खत्म। आर टी लिखिए चाहे आर लिखिए हो चाहे आप। अब यहाँ देखिए टी भी आया और एन भी आया, इन दोनों को हमें क्लियर करना पड़ेगा कि ये क्या है दोनों। सबसे पहले तो ये कंटिन्यूस कंपाउंड का ये फार्मूला है कंटिन्यूस, जिसमें हमने बताया था हर पल चार्ज हो रहा है, हर पल आपसे चार्ज किया जा रहा है, और जीरो टू एन आर ई टू द पावर आर टी। आर टी आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर और स्मॉल आर और कैपिटल आर यहाँ पर आ गए। ये जो कैपिटल आर है वो तो इक्वल अमाउंट होता है जो पे किया जाता है, और ई तो एक्सपोनेंशियल, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। टी और इस डी टी की वैल्यू आपको रखना नहीं है, आपको केवल क्वेश्चन में एन, एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ पीरियड या टोटल नंबर ऑफ मंथ, कितनी बार आप पे कर रहे हैं, जैसे एक साल में 12 बार, दो साल में 24 बार। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सर इस तरह के कैलकुलेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन भी आया है। इंटीग्रेशन हमने आपको बता रखा है था पहले, यहाँ पर हम छोटा सा इंटीग्रेशन एक बार छोटा सा रिवाइज करेंगे जिससे कि आप इस तरह के क्वेश्चन भी कर सकें। देखिए क्या होता है इसमें कि जैसे किसी क्वेश्चन में लिखा हो, जल्दी से फटाक से इंटीग्रेशन सीख लेते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन लिखा हो x की पावर 2, ठीक है, और यहाँ लिखा है dx और यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 3, इसको बोलते हैं रेंज 2 to 3, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट होता है। आप भी आपको इसमें नहीं जाना, अगर ये जो नंबर लिखे हैं ये अगर लिखे हैं तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे हमें वो सीखना। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको हम बता चुके हैं एक्स क्यूब बाई 3 होगा, और जैसे ही आप इंटीग्रेशन करते हैं ये तुरंत इस तरह से लिख दें एक स्क्वायर बॉक्स बनाकर, फिर आप 1/3 को साइड में लिख देंगे और ये आ जाएगा एक्स क्यूब 2 और 3, इस डेफिनेट इंटीग्रेशन, और ये 3 एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे 3, तो एक आ जाएगा 3 की पावर 3, और एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो उसका आंसर, जैसे ये 27 हो गया और ये आ गया 8, तो ये आपको आ गया 19/3, ये इसका आंसर है। मतलब ये कि ये जो लिमिट होती है वो जब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं उसमें एक्स की जगह पर पुट कर दी जाती है। जैसे ये बीच में माइनस क्यों आया, क्योंकि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका है। जैसे अगर हम एक और ले लें क्वेश्चन इसी में, जैसे यहाँ पर लिखा है e की पावर x सपोज करिए, और यहाँ लिखा है 2 और ये लिखा है 4, और ये है क्वेश्चन, कह रहे हैं इसे सॉल्व करो, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन हम 2 और 4 इस तरह से लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा e की पावर 4 और यहाँ आ जाएगा e की पावर 2, और इस तरह से ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है। अब जैसे इसी में एक और हम छोटा सा और बढ़ा देते हैं, इंटीग्रेशन का कोड सेवेंट है वरना इंटीग्रेशन तो होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 4t और ये dt लिखा है, अब कहा जा रहा है इसे सॉल्व करो। तो हमेशा याद रखिए जो चीज t के साथ मल्टीप्लाई होगी आप पहले तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में या इस सेगमेंट में ई ही मिलेगा, ई के अलावा कोई दूसरा नहीं मिलेगा आपको इंटीग्रेशन करने के लिए। तो इसका इंटीग्रेशन ई की पावर 4t, लेकिन जो टी के साथ होता है उससे हम डिवाइड भी कर देते हैं और बस 2 to the 4 लिखते हैं। इसके बाद 1/4 लिखा और ई टू द पावर, जैसे टी की जगह क्या लिखेंगे 4, तो ये हो जाएगा 16 और टी की जगह लिख देंगे 2 तो ये हो जाएगा 8। और इस प्रकार से आपका ये आंसर है। इसमें और ऊपर वाले में देखिए क्या डिफरेंसेस है। ऊपर वाले में एक्स के साथ कुछ नहीं था तो बड़ी आसानी से आपने उसको सॉल्व कर लिया, एक्स के साथ कुछ नहीं था तो बड़ी आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स के टी के साथ में ये 4 आ गया, तो 4 आ गया तो आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, बस ये याद रखिए। और ई की पावर 4t और इंटीग्रेशन 2 to 4, और जैसा आप देख पा रहे हैं हमने सॉल्व किया। अगर हम यहीं पर मान लेते हैं एक ले लेते हैं, जैसे ये लिखा और ये आ गया, मान लीजिए यहाँ पर आया ई की पावर 5t मान लेते आ गया आपका, सॉल्व करो। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले तो ई की पावर 5t को ई की पावर 5t लिख दे, इंटीग्रेशन ये होता है, लेकिन जो टी के साथ मल्टीप्लाई में हो उसको डिवाइड करके साइड में लिख दिया जाता है और इस तरह से 0 to 4 हमने कर दिया 1/5। अब पहले टी की जगह 5 लिखे तो ये हो जाएगा 20 माइनस और ये हो जाएगा ई की पावर 0। आप जानते हैं ई की पावर कितना होता है 1, ये इसका ई की पावर 0। तो ये एक छोटा सा इंटीग्रेशन का पार्ट हमने बताया आपको कि जब भी कभी आप इंटीग्रेशन करके रिजल्ट निकालते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो ये पावर लिमिटिंग केस होता है 0 to 4, जो लिमिट्स होती हैं वो एक्स की जगह या टी की जगह पर पुट कर दी जाती है और उसको सॉल्व कर लिया जाता है। तो जब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब, तब आपको समझ में आएगा। और ये तभी यूज़ होगा जब वहाँ पर लिखा होगा कंटिन्यूस कंपाउंडेड, ठीक है। जहाँ कंटिन्यूस कंपाउंडेड होगा वहीं पर हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, जरा एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इस पर बेस्ड। लिखा है एन अकाउंट फेचेस फेचेस का मतलब होता है गिवन, देना। फेचेस इंटरेस्ट एट 5% कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। अब यहां देखिए पहली लाइन में उन्होंने क्लियर कर दिया है, एट ए पर्सन डिपॉजिट्स ₹1,000 ईच ईयर। Each year in the account, find how much will क्वेश्चन क्या है ये समझते। लिखा है एन अकाउंट फेचेज इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। यहाँ पर आपको आर दे रखा है, बहुत बढ़िया, और पर एनम है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आगे लिखा है अ पर्सन डिपॉजिट्स
रुपीज 1000, ये हो गया आपका कैपिटल आर। ये आपका दे रखा है कैपिटल आर। फिर ये स्मॉल आर दे रखा है, स्मॉल आर कितना है 5%, तो ये भी देखिए क्या है पर एनम है, तो 5% मतलब 0.05 हमने लिख दिया। अब इसमें देखिए ये ईच ईयर है तो बहुत बढ़िया है, ईच ईयर है कोई दिक्कत नहीं। फाइंड हाउ मच विल बी द अमाउंट इन द अकाउंट आफ्टर 5 ईयर, तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि ये फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है। एक सेकंड रुकिए, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, फ्यूचर वैल्यू इन द सेंस कि एस पूछा जा रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये भी देखिए लिखा है क्या कंटिन्यूसली। अब कंपाउंडेड कंटिन्यूसली का मतलब फार्मूला आपका लगेगा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर ई की पावर आर टी और डी टी और जीरो टू एन। अब एन यहाँ कितना है, एन की वैल्यू अगर हम करें तो आप देखिए कितने साल की बात हो रही है, 5 ईयर। अब आप देखिए यहाँ 5 ईयर में हमने 12 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ये भी पर एनम है और जो चार्ज किया जा रहा है वो भी ईयरली है। मतलब टाइम, ये दोनों टाइम सेम होने चाहिए। अगर ये ईयर है तो ये भी ईयर होना चाहिए, अगर ये मंथली है तो ये भी मंथली होना चाहिए, बस इतना याद रखना होगा। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे हम और R तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इससे हमें पता चलेगा कि क्या अमाउंट आया। तो R की जगह वैल्यू पुट कर दी हमने, वो लिखा 1000 और R की स्मॉल R की वैल्यू है 0.05 और T का मतलब T रहेगा, T यहाँ चेंज नहीं होगा क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 0.05 t, जो t के साथ मल्टीप्लाई में उससे हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, ये देखिए डिवाइड कर दी और इसमें लगा देंगे
कैसे मैंने आपको बताया, ये जो 5 लिखा जाता है, सबसे पहले अपर लिमिट लिखी जाती, तो अपर लिमिट टी की जगह पर आएगी। टी की जगह जैसे आप लिखेंगे 5, तो ये आएगा 0.25, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 0.05 में 5 का, और माइनस ई टू दी पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि टी की जगह आप क्या रखेंगे, 0। आवाज आ रही है ना सभी बच्चों को? हेलो सर। चलिए तो देखिए यहाँ पर, यस सर आवाज आ रही है। चलिए थैंक यू। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट की, अब यहाँ पे हमने लिखा 1000.0। अब इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? तो देखिए इसकी वैल्यू के लिए आपको एक टेबल वहाँ दी जाएगी, टेबल देंगे, नहीं तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू आपको पता होगी। अगर मान लेते हैं वहाँ टेबल भी नहीं दी गई है, डायरेक्ट वैल्यू भी नहीं पता है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, और ये आपका आंसर आ गया। वैसे वहाँ पर आपको टेबल मिलेगी, जब आप मांगेंगे तो वहाँ पर आपको एक टेबल मुहैया कराई जाएगी जिसमें e की पावर 0.25 का मान दिया होगा, और जब इस पूरे को आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा 5600.50। तो ये आपका 5 साल बाद 5,680.50 आपका बनेगा। तो ये जो हमने बताया, ये फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन था, लेकिन फ्यूचर वैल्यू के तो तीनों ही थे, लेकिन ये किसका से रिलेटेड था, कंटिन्यूस। इसमें खास बात आ गई कि कंटिन्यूस कंपाउंड से रिलेटेड है क्वेश्चन। और भी इसमें अगर हम क्वेश्चन देखें तो और भी क्वेश्चन ले सकते हैं, और भी लगाए जा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म पे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसके और भी क्वेश्चंस लगाएंगे, लेकिन अगर हम बात करें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एनएपी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एनओटी। अब प्रेजेंट वैल्यू के लिए मैंने आपको, अच्छा एक चीज खास बात ध्यान दीजिएगा कि आपने पढ़ा अभी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एनओटी, तो दो फार्मूले आए, एक तो ये मिला आपको कंटिन्यूस कंपाउंड वाला, और एक ये वाला आपको मिला फॉर्मूला जिसमें आर वन प्लस आई टू दी पावर है, जिसमें नॉर्मल कंपाउंडेड। उसी तरह से फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के भी केस में हम यही काम करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू में भी दो फार्मूले चलेंगे। एक वैल्यू सिम ऑर्डिनरी एनओटी के तो दोनों होंगे, बट एक सिंपल कंपाउंड का होगा और एक होगा कंटिन्यूस कंपाउंड। तो जो सिंपल कंपाउंड से रिलेटेड होगा उसका जो फार्मूला होगा वो होगा पी, पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, पी इज इक्वल टू आर, फिर ब्रैकेट में हमने आपको बताया था 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन अपॉन आई, ये आपका फॉर्मूला बना, ठीक है। और अगर हम बात करें कंटिन्यूस कंपाउंडेड की, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग की बात करें तो उस केस में जो फार्मूला होगा वो 0 टू n e टू दी पावर 0 टू n r, और वहां था e टू दी पावर आर टी, और यहां हो जाएगा e टू दी पावर माइनस ई टी, ये आपका होगा फार्मूला। तो दोनों में अंतर क्लियर हुआ कि उस फार्मूले और इस फार्मूले में क्या अंतर है, इसमें माइनस माइनस आ गया, माइनस आर टी, तो चलेगा सब यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर ये लिखें कि कौन क्या चीज डिफाइन कर रहा है, तो आप जानते हैं P डिफाइन कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू को, R डिफाइन कर रहा है साइज ऑफ अमाउंट को, साइज ऑफ ईच पेमेंट कह सकते हो, फिर I डिफाइन कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है लेकिन वो पर पीरियड है, रेट ऑफ रेट पर पीरियड कह दे तो बेटर, पर पीरियड, और एन आप जानते हैं नंबर ऑफ इक्वल
पेमेंट नंबर ऑफ इक्वल पेमेंट। तो ये आपके दो फार्मूले थे जिनको हमने बताया। तो आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं क्लास को। अभी अगर इसका वीडियो मैंने कोशिश की है बनाने की, अगर ये बन गया होगा तो फिर मैं अभी इसे अपलोड कर इसका पीडीएफ भी दे दूँ। इसके न्यूमेरिकल्स जो होंगे और न्यूमेरिकल जो होंगे वो अभी आपको हम एक साथ व्हाट्सएप कर देंगे। लेकिन आपको करना क्या होगा, ये जो फोर्थ यूनिट है ये काफ़ी छोटा यूनिट है, ये बड़ा नहीं है, ऑलमोस्ट समझ लीजिए उसका 50% हो चुका है फोर्थ यूनिट का। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा जाता है एनुटी और ये फ्यूचर वैल्यू पर क्वेश्चन होंगे, प्रेजेंट वैल्यू पर क्वेश्चन होंगे, और उसमें भी ज़्यादातर मिलेगा आपको ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम पर आपको क्लास लेते हैं। थैंक यू सर।